अच्छा हुआ लड़कवा हो चला तो कंपाइन से धान कट रहा है गधा गाइस गाइस कदानी हाय बाप रे कितना रोग लगा बस यही तो पूरा हरे हरे निकला तो भाई सारा कन्हिया वाला रोग लगा बा हरा हरा कंपनिया का निकला था बाप रे इतना गर्दन तो बाद भी पागल हो जाई जैसे लागल वो आग लगवा धुआं निकला था एमी गनिया रोग देखो जैसे लागल वो आग लगवा धुआं निकला था इतना बेचारा कंपनिया में का हाल होत होई काटत वजन गर्दक मारे एकदम हाल खराब हो जाए हाँ बोलो गाइस हेलो गाइस आप गाइस मैं नीलेश चौधरी बस्ती जिला का कड़क लौंडा और लेकर आ गया हूँ आपको धान कटाने के लिए और ये हमारा कंपाइन चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे साइड में देख सकते हैं ये हमारा कंपाइन है क्योंकि हमारे धान के खेत में कोई गन्हिया रोग लग गया है इसी वजह से देखिए आपको धुआं धुआं पूरा काला काला निकल रहा है और धान की क्वालिटी भाई साहब एक नंबर था लेकिन गन्हिया रोग लगने की वजह से सब बेकार हो गया है। ये मेरा चट्टा है ये और ये हमारा तिरपाल है इस तिरपाल पे अभी हम अपना धान गिरवाएंगे उसके बाद ट्रैक्टर हमारा खड़ा हुआ है और ट्रैक्टर पे को लोड करा के लेकर ये हमारा वीडियो बनेगा हे पूरा रुक जा रुक जा रुक जा नीस रुक ये भैया चलिए मैं देखी तो ये कंपाइन है दोस्तों इसी से ही धान काटा जाता है और या फिर ट्रैक्टर मतलब खुद मजदूर लोग धान काट के और उसके बाद फिर एक मशीन होता है उससे धाते हैं वो अलग प्रोसेसिंग होती है वो ज़्यादा लंबा है ये सीधे सीधे कंपाइन से खेत में जाता है धान और सीधे घर चला जाता है धूप में सूखने के लिए आई गए कितना करनी है बाबू हम ना जाते हैं हम ही आते मुंह बंद कर ला हमरे सबसे पहले सर्दी रखा ला दूर है तो ही इसी में ही धान काट के टाली में गिराया जाएगा और ये कंपाइन काट रही है इसी तरीके से धान कटता है और ये पराली पीछे गिर जा रही है यही पराली जलाते हैं हरियाणा और पंजाब वाले तभी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन बढ़ता है ये नीश चौधरी टाली बांध रहे हैं इन लोगों का अपना काम धाम चल रहा है में बहुत कंकड़ है इसलिए ये झाड़ू लगा रहे हैं ये लोग जाली फैला रहे हैं इसमें ताकि कंकड़ पत्थर ना जाए धान में भड़क के फैलाए तो इसे कट के धान बिचौन खाल करो नहीं फट जाए ये 10 बिस्ता था कट गया और ये इधर है
10 पिस्सा कट रहा है, तो कम खेत ही था कटना अभी, और इसलिए इतना धान निकला। अभी और खेत कटेगा हमारा आगे। इसके बाद ये धान कटेगा यहाँ से, और ये कटेगा।